दोस्तों हमने आलू में भगवान देखा है, आलू में गणपति बप्पा देखा है, लेकिन क्या आपने रोटी में कभी भगवान देखा है? नहीं देखा ना? बिग बॉस के घर में आप जरूर देख लेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूँ बिग हेडलाइंस में। दोस्तों बिग बॉस सीजन 14 के घर में क्या ना हो जाए, कहीं रोटी में अभिनव शुक्ला को भगवान दिख गया तो पवित्र पुनिया की अनोखी स्टाइल की ये रोटी आपको खूब राज आएगी। वह कुछ यूं था कि पवित्र पुनिया ने एक रोटी बनाई थी जो कि काफी हद तक जल गई थी। ऐसे में अभिनव शुक्ला के साथ पवित्र पुनिया मस्ती कर रही थी कि देखो मैंने रोटी बनाई है, कितनी अच्छी रोटी बनी हुई है, इसको हम जो है डेकोरेट करेंगे, इसको घर में सजा के रखेंगे। तो वहीं पर अभिनव शुक्ला कहते हैं लाओ इसे हम ना एक अच्छी जगह पे रख देते हैं जो कि एक मेमोरी होगी बिग बॉस सीजन 14 के और ये एंड तक रहेगी। पहले ये रोटी इतनी कड़क हो जाती है कि इसे एक भगवान के तौर पे अभिनव शुक्ला जाके ड्रेसिंग कोड में सजा देते हैं, यानी कि जो एरोस बने हैं उसके अंदर जाके रख देते हैं। वेल ऐसे में अभिनव शुक्ला कहते हैं कि ये हैं हमारे भगवान, यानी कि बिग बॉस सीजन 14 के भगवान। वेल ये एक बहुत ही कॉमेडी ईपीके था और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ मजाक था। बिग बॉस सीजन 14 में कोई भगवान भगवान नहीं मिले हैं, ये सिर्फ अभिनव शुक्ला और पवित्र पुनिया की एक छोटी सी मस्ती थी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसे लगी आपको अभिनव शुक्ला और पवित्र पुनिया की ये भगवान, यानी कि हमारे प्यारे से रोटी देवता कैसे लगे आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।